नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। तो आज CFM चैनल की जो टीम है वो एक टैलेंट की तलाश में नियामतपुर में मौजूद है, और वो टैलेंट है जो अभी स्टूडेंट है लेकिन बहुत कम उम्र में उन्होंने अपनी टैलेंट को प्रूव किया है। उनका नाम राकेश रंजन साव है, जो अभी हाल ही में कलकत्ता में एक इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप हुई थी, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छा पोजीशन हासिल किया, और वो चाहते हैं कि अपने देश का नाम को रोशन करें। गरचा उनके पास स्पॉन्सर की कमी है, और वो चाह रहे कि अगर उनको स्पॉन्सर मिले तो वो और कुछ कर सकते हैं, देश की नाम को और दूर तक ले जा सकते हैं। आइए, आज हम लोग उनके घर पे आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास और क्या क्या टैलेंट है, और फ्यूचर में वो जिस इस मार्शल आर्ट को लेकर के वो क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट आपको, अभी आपने हाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। थैंक यू। क्या जीता आपने? सर, मैंने वहाँ पे किया था, वहाँ पे 6 कंट्री से पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा। जहाँ पे इंडिया का तरफ से मैं अपना कैटेगरी अंडर 60 kg में मैं जो है वहाँ पे इंडिया को वेस्ट बंगाल से रिप्रेजेंट किया था, और 6 कंट्री में बांग्लादेश आए थे, नेपाल आए थे, अफगानिस्तान थे, इंडिया, और फिर जापान थे, रसिया, ये 6 कंट्री थे। क्या पोजीशन आया था तुम्हारा वहाँ पे? मेरा 2nd पोजीशन था। अच्छा। अभी आप लोग कितने भाई बहन हो? मेरा और एक छोटा भाई है। अच्छा। हम लोग दो भाई हैं। दो भाई। पिताजी क्या करते हैं? पापा प्लम्बर है। प्लम्बर है। और अभी तो आप पढ़ते हो, स्टूडेंट हो? हाँ, मैं स्टूडेंट। कौन क्लास में पढ़ते हो? क्लास 11 कॉमर्स। अच्छा। तुम स्पेशल मार्शल आर्ट्स के बहुत इंटरेस्टेड हो, ठीक है, ये मार्शल आर्ट क्या है? आर्ट्स एक युद्ध कला है, अगर मैं सिंपल बोला जाऊँ, सिंपल बोलचाल की भाषा में करा जाए तो मार्शल आर्ट्स एक्चुअली में एक स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ। आजकल सबको सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए, और सेल्फ डिफेंस, मुझे सेल्फ डिफेंस में इंटरेस्ट था, साथ में डांस में भी इंटरेस्ट है। मैं डांस और मार्शल आर्ट दोनों करता हूँ। ये मार्शल आर्ट्स कहाँ हुआ? इसकी ये मार्शल आर्ट्स का कैसे हुआ पूरा वर्ल्ड में? ये मार्शल आर्ट्स का जो उत्पत्ति स्थान, इसे भारत में ही बोला जाता है, में ही हुआ है, और इसे जो है बाद में जो है मार्शल आर्ट्स को चाइना लेके इम्प्रूव किया गया, जहाँ से कुंफू बना, और फिर हम लोग का जो स्टाइल है क्योकुशिन, वो है जापान से, और वो सोसाई मासोयामा, तो उन्होंने क्योकुशिन का वो जन्मदाता है। आप किसे सीखते हो? मेरा टीचर का नाम है सेंसाई मिहिर बाग, और सोनू पांडे, सोनू पांडे के पास कभी कभी ट्रेनिंग करता हूँ, स्पेशली मिहिर बाग का स्टूडेंट हूँ, और सीतारामपुर के सुरजीत सर के स्टूडेंट हूँ पहले के। मार्शल आर्ट अभी हिंदुस्तान में आजकल हर गली में सिखाया जाता है, बिकॉज क्या है कि ये आजकल जो है इसका बहुत इम्प्रूवमेंट चल रहा है इसके ऊपर में, कि सबको आजकल इंटरेस्ट होता है, जैसे डांस का ऊपर सबको एक इंटरेस्ट है, तो मार्शल आर्ट्स भी हर जगह चलता है आजकल। आप मूवीज़ वगैरह में भी देखते होंगे, बहुत सारा एक्शन वगैरह होता है, सारा तो मार्शल आर्ट्स का ही रहता है। अच्छा, तुम तो अभी स्टूडेंट भी हो, तुम कैसे टाइम निकाल ले रहे हो? मैंने क्या अभी सीख रहे हो या कहीं तुम सिखा रहे हो? मैं वैसे तो मैं मास्टर हूँ, आसनसोल में मेरा बहुत क्लासेस चल रही है यहाँ पे, और बच्चे लोग को सिखाता हूँ, और फ्री सेल्फ डिफेंस वोमेंस के लिए मैं जो है, जो गर्ल्स लोग होती है आजकल, उनको फ्री का मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, ताकि और स्कूल टू स्कूल में जाके फ्री कर सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देता हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम 4 दिन का ट्रेनिंग रहता है। अच्छा, आप ट्रेनिंग क्यों देते हो? क्या लगा आज ट्रेनिंग देना चाहिए? देखिए, हाल में ही हुआ था हम लोग का हैदराबाद साइड में, और गर्ल्स का जो है मर्डर कर दिया गया था, रेप वगैरह करके, तो एक्चुअली में देखा जाए तो गर्ल्स सेफ्टी नहीं है, तो एक तरफ से हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना कि मार्शल आर्ट सिखा के वो लोग, अब तो उनके ऊपर है वो कैसे सीख रहे हैं और मैं उन्हें क्या सिखा रहा हूँ, तो अगर मैं उन्हें अगर अच्छे से अगर सिखाता हूँ, तो अगर अच्छे से अगर सीख पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आगे जाके कुछ तो अपना सेल्फ डिफेंस, तो कुछ तो प्रॉफिट होगा ना। मतलब घर में फ्री बेड के कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम अगर थोड़ा बहुत एक्सरसाइज अगर कर ले तो शरीर तो ठीक ही रहता है। अच्छा, तुम अभी सिखा रहे हो जो बहुत सारी लड़कियों को, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा? जी, ठीक ठाक मिल रहा है। ठीक ठाक मिल रहा है। अच्छा, लड़कियों को और क्या करना चाहिए जो उनका सेफ्टी हो? बार बार ये बात होता है कि लड़कियों को सेफ्टी नहीं मिलता है। एक्चुअली में देखिए, ऐसे ना गवर्नमेंट को भी मतलब थोड़ा गर्ल्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मार्शल आर्ट जो है ये हर एक स्कूल में होना चाहिए, एक सब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि PT टीचर का जो होता है फुटबॉल वगैरह सब पे जो है वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, तो मार्शल आर्ट्स को भी होना चाहिए, कि मार्शल आर्ट जो है हर एक स्कूल में होना चाहिए।
और जिससे आजकल जो है वोमेंस लोग को ट्रेनिंग मिले और जिससे वोमेंस लोग ग्रोथ करे और अच्छा रैंक में जो है, जैसे बॉक्सिंग चल रही है तो उसी तरफ से मार्शल आर्ट्स भी चला जाए, तो मेरा मानना है कि बहुत सारे जो बच्चे अच्छे रैंक कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारा जो न्यूज़ चलेगा टीवी में, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, अगर वो तुमसे ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं, तुम जैसा ने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हो खासकर स्पेशली बच्चियों को, लेडीज़ को, तो क्या ओनली फॉर वोमेंस, ओनली फॉर वीमेंस, वो कहाँ कंसल्ट करेंगे, किससे मिले? मुझसे ही मिलेंगे ना। अच्छा, कहाँ कहाँ पे तुमसे मिलना पड़ेगा? मेरा ऑफिस है सेंटर मॉल का, ओडीसी क्लब में मेरा ऑफिस है। अच्छा, वहाँ पे आके कांटेक्ट करेंगे मुझसे, तो उनका जो क्लासेस अलग जगह में चलेगी, उनको 4 डेज का सैलरी टाइम का ट्रेनिंग मिलेगा। डेट क्या है, कौन सा? देखिए वो तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइम में आ रहे हैं। मेरा तो बेचेस बहुत चल रही है। कैसे, कौन कौन बेच चला रहे हो तुम अभी? मेरा अभी देखिए आसनसोल में बंगाली गर्ल्स स्कूल में चलती है क्लासेस, बरनपुर में भी क्लासेस है, फिर जिनेक्स एक्चुअली का वहाँ पे भी मेरी क्लासेस चलती है। बात करते हैं, अभी तुम स्टूडेंट हो, हाँ, किस स्कूल में पढ़ रहे हो? मैं आसनसोल जौहरमल जालान इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल से हूँ। अच्छा, तो फ्यूचर में तुम क्या सोचे हो? ये फ्यूचर में गवर्नमेंट के लिए कुछ करना है और अच्छा, पुलिस ऑफिसर बनना है। अच्छा, और ये मार्शल आर्ट्स को लेकर क्या सोचे? मार्शल आर्ट्स को लेकर मैं सोचा हूँ कि इन फ्यूचर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब होगी और इंडियन ओलंपिक का जब ये जब होती है चॉइस जब होती है वो जापान का ओलंपिक्स में जब जाती है, तो मैं भारत की तरफ से मैं खेलना चाहता हूँ ओलंपिक्स में। अच्छा, ये मार्शल आर्ट्स का जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी, आपको तुम क्या लगता है कि मार्शल आर्ट्स तो एक इवेंट है, एक यूनिट है, तो सरकार को और कैसा अवेयरनेस और लाना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये इवेंट पहुँचे? देखिए अगर सरकार का अगर बात किया जाए तो सरकार जो है हर तरफ से बोलती है नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा, तो नारी सुरक्षा बोलने से नहीं होती है, वो एक्चुअली में उनको भी कुछ करना पड़ता है कि जो है बच्चे बच्चिया लोग आजकल कोई भी कहीं पे भी सेफ्टी नहीं है। अब इफ़ अगर मान लीजिए कोई अगर आ रहे हैं रात में 10 बजे, किन्हीं का घर में पैसा का जरूरत है, वो काम करके लेके आ रहे हैं और वहाँ पे कुछ चोर वगैरह जो है बंदूक वगैरह दिखा के उसको ले जा रहे हैं। अगर मैं सिंपल मैन अगर रहता तो मैं उसे पैसा दे देता डर के मारे, बिकॉज मुझे मेरी जान प्यारी है। अगर मैं मार्शल आर्ट्स का अगर फाइटर हूँ या फिर कुछ मैं मार्शल आर्ट्स सीखा हुआ हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं तो अपना सेफ्टी करूँगा, मैं उसे अपना पैसा क्यों दूँ, मैं कमाया हूँ मैं उसे क्यों दूँ? वो भी गवर्नमेंट से मैं चाहता हूँ कि हर एक स्कूल, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, हर एक स्कूल में मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग वगैरह कुछ ना कुछ इवेंट हो, जिससे जो है बच्चे लोग जागरूक हो सके। इतने हम लोग बहुत कम जो है मेडल्स वगैरह आती है, लास्ट बार साक्षी जो है वो 3rd हुई थी इसमें रेस्टलिंग में, तो अगर कराटे या कराटे तो पहले ओलंपिक्स में नहीं था इस बार। क्या लगता है कि हम लोग क्यों अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते जब ओलंपिक? बिकॉज यहाँ पे कमी है फेडरेशन की कमी है, और कोई अच्छी संस्था भारत में, इतनी सारी फेडरेशन खुली हुई है, तो मतलब और अलग अलग स्टाइल कराटे, किस कराटे को एक ही स्टाइल में होना चाहिए, और मेनली जो है गवर्नमेंट को करनी ये चाहिए जो बच्चा बच्ची अच्छी कर रही है उनको जो आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसे बच्चे लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते हैं, बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम्स रहती है, बहुत कुछ रहती है, मेरे भी पैसे की कमी है तो मैं भी आगे नहीं जा पा रहा हूँ, और बहुत सारे चैंपियनशिप होते हैं, मुझे तो चांस मिल गया। सरकार से तुम और क्या चाहिए? गवर्नमेंट से मुझे चाहिए कि वो मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोत्साहित करें, और मेरी जो है कोई भी स्कूल में जो है मुझे भेजे ट्रेनिंग के लिए, जैसे ट्रेनिंग करना कराने से बच्चे भी इंटरेस्ट होंगे और साथ में मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, कुछ तो प्रॉफिट होगा जिससे मैं आगे जाके अच्छा कर सकूँ खुद के लिए भी और अपने भारत देश के लिए भी। अभी तुम्हारा सिलेक्शन और कहाँ हुआ, इसके बाद कहाँ जा रहे हो? इसके बाद मैं ये तो इंटरनेशनल फाइट जीता, इसके बाद फर्स्ट एशियन कप होने होगा जो कि ईरान में होने वाला है, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, बट मुझे स्पॉन्सरशिप अभी तक मिली नहीं है। तुम्हारा सिलेक्शन हो गया? हाँ, सिलेक्शन हो गया। प्रॉब्लम कहाँ पे कठिनाई आ रही तुम्हारी? प्रॉब्लम ये है कि देखिए जो फॉरेनर्स जो है वो भी चाहते हैं कि मैं ईरान जाके फाइट करूँ, ताकि कांचू अकबर ओपरवर जो हम लोग के प्रेसिडेंट हैं, मेरे फाइट से बहुत हैप्पी है कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे फाइट्स देखे हैं, तो बोले कि आप अगर आते हो फ्लाइट वगैरह का आप टिकट ये करके आओ, इधर का रहना खाना फूडिंग लॉजिंग सब आपको फ्री मिलेगा। ये जो आपके उस्ताद है वो बोले? हाँ, मेरे जो है ईरान कंट्री के हेड कांचो अकबर रोपर बार टेंडन लगे। उनसे बातचीत होती है तुमसे? हाँ, मेरी उनसे फेसबुक से बातचीत होती है। अच्छा, तो अगर तुम्हारा स्पॉन्सर अगर मिल जाए तो वहाँ जाकर फाइट कर सकते हो? हाँ, मैं जाके फाइट कर सकता हूँ और उम्मीद करता हूँ मैं वहाँ से जीत के ही आऊँगा। तो हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्या उम्मीद है, तुम उनसे कुछ बोलना चाहोगे जो देख रहे हैं? मैं उनसे इतना बोलना चाहता हूँ कि आपसे अगर कुछ अगर हो रही है प्लीज़ मुझे हेल्प करें, और ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, और इससे आगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। धन्यवाद। अच्छा, आप आते तुम्हारे बचपना पे, तुम्हारा बचपना कहाँ गुजरा? जी, मैं तो उड़ीसा से हूँ। अच्छा, इसमें कैसे तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ मार्शल आर्ट्स में?
एक्चुअली मैं देखिए मुझे शुरू से मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, मैं मूवी वगैरह देखा करता था। तो मूवीज़ में सबका मन होता है कि हीरो बनने का, मुझे भी सपना है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊँ, अपना नाम कमाऊँ। ठीक है, तो वहाँ पे हीरो लोग को देखता था, डांस वगैरह करते थे, तो मुझे भी इंटरेस्ट था डांस वगैरह में। बट फैमिली बैकग्राउंड्स ख़राब था और मैंने बोला डांस सीखने के लिए, तो फिर डांस में खर्चा भी तो होती है ना, तो उस टाइम में मैं सीख नहीं पाया डांस। तो उसके बाद जो है मैं क्या किया, मैंने कहा कि चलो आर्ट सीख लेता हूँ, ड्राइंग्स वगैरह। तो मैंने ड्राइंग्स वगैरह में एडमिशन ली, बट मुझे उसमें कोई खास रुचि नहीं लगी, बिकॉज मेरा तो करियर कोई और था ना। तो मैंने क्या किया, मार्शल आर्ट्स फर्स्ट टाइकोंडो सीखना शुरू किया। टाइकोंडो से इंटरेस्ट ख़त्म हुआ तो मार्शल आर्ट्स में आया, कराटे में। तो कराटे सीखते सीखते अब क्या हुआ कि मेरा तो मन डांस में है। अब किसी को अगर आप अगर बोलोगे मुंबई जाने के लिए, वो तो नहीं जाएगा ना, उसका मन अगर दिल्ली है तो। दिल्ली है तो ठीक। तो मेन चीज़ ये कि मुझे डांस में मन था, तो मैं क्या करता था कि, और मेरा जो किक्स वगैरह जो है बहुत अच्छा है, यूनिक है, तो मैं जो है यूट्यूब वगैरह देखा करता है, जो भी स्टाइलिश किक है, 540 हुआ, कोई भी किक, तो मैं उसे घर पे ट्राई किया करता था। तो अब डिफरेंट डिफरेंट मार्शल आर्ट्स एकेडमी जो है खुला हुआ है, तो वहाँ का चार्जेस ज़्यादा है, तो मैं तो वहाँ पे सीख नहीं सकता ना। तो मैं क्या करता था, मुझे डांस सीखना था तो मैं डिफरेंट डिफरेंट डांस एकेडमी का नाम खोजा करता था, कौन सा एकेडमी अच्छा है, उसका फिर नंबर लेता था और उनसे जाके विजिट करता था कि सर आप अगर मेरे साथ अगर वर्क अगर करोगे, मैं आपको मार्शल आर्ट्स का कुछ यूनिक्स बता दूंगा जो आपके डांस में यूजफुल हो जाएंगे। बस ऐसे करते करते डांस तो वगैरह भी पार्टिसिपेट कहाँ कहाँ किए हैं, कंपटीशन पार्टिसिपेट कहाँ है किया। तुम्हारा? मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ, AGFI का गेम्स वगैरह होती है तो वो भी खेलता हूँ, और स्टेट लेवल में खेला हूँ, नेशनल खेला हूँ, और अभी इंटरनेशनल लेवल में खेला हूँ। तुम्हारा उम्र तो बहुत कम है, इस कम उम्र में देखने तुम चाहते हो सोसाइटी बहुत अच्छा हो, बच्चिया को सेल्फ डिफेंस मिले, लेकिन कुछ जो यंग जनरेशन है, जो तुम्हारी उम्र के जो लड़के हैं, वो अपना वक्त मोबाइल में पास कर रहे हैं, उसके लिए तुम क्या कहो? देखिए आजकल के जो मोबाइल में, देखिए टाइम तो सबको ही रहता है, मैं भी देता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि उसमें डूब के रह जाए मोबाइल में, बट इसका ये मायने नहीं। आजकल जो खुली हुई है ना, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये सब डिफरेंट टाइप, टिकटॉक भी आजकल आ गई है, तो इसका चलते हैं ना, तो बहुत सारे मतलब ऐप्स का चलते हैं ना, बच्चे लोग का क्या होता है ना, दिमाग दूसरी तरफ चल जाते हैं, चैटिंग वगैरह ये सब नहीं करके। मेरा मानना है आप लोग ना कोई भी एक स्पोर्ट्स में, कोई भी, वो कराटे हो ये मायने नहीं रखता, आप अगर फुटबॉल में इंटरेस्टेड हो आप फुटबॉल में करो, इससे क्या होगा कि आपका भी इम्प्रूवमेंट होते जाएगा और आप एक अच्छे एक पोजीशन में आप जा सकते हो। और ये शिक्षा के अलावा है ना, आप कोई भी एक मतलब स्पोर्ट्स के अलावा, कोई ज़रूरी नहीं कि मार्शल आर्ट्स हो या फिर फुटबॉल, कोई भी एक स्पोर्ट्स में आप भाग लेके आप जो है आगे बढ़ सकते हो। आजकल तो स्पोर्ट्स में भी बहुत बहुत कोई बहुत कुछ कर रहे हैं, और एक स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स वाले हैं जो अच्छे अच्छे लेवल में हैं। तो आप लोग, मेरा मानना है आप लोग जो है ट्राई करिए, अगर नहीं होती और भी ट्राई करने से, इंसान से सब कुछ होती है, आप लोग ट्राई करोगे जरूर सक्सेस होगे। थैंक यू एवरीबॉडी।